आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह दृश्य नीमच के ग्राम जावी के वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला का है। कुछ पर्यावरण के दुश्मन आपको यहाँ पर पेड़ काटते हुए भी दिखाई देंगे इस वीडियो में। शासन के जहाँ एक और आदेश है कि पेड़ लगाइए और पेड़ मत काटिए, पर्यावरण को संरक्षण की बात होती है, लेकिन इसे पर्यावरण के दुश्मन किस तरह से शासकीय भूमि पर पेड़ काट रहे हैं, इसका विवाद भी चला और ये विवादित जमीन और इस पर से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं और ये सरकारी जमीन भी है। हमें गांव के व्यक्ति नहीं नंद किशोर पिता ओंकारलाल पाटीदार ने आज बताया और साथ ही शिकायत की नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल को और नीमच SDM को तथा नीमच सिटी पुलिस थाने में। देखना है कि अब ऐसे पेड़ काटने वालों पर क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से पर्यावरण के दुश्मन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें नंद किशोर ने यह भी बताया कि जब उन्हें रोकने की बात कही तो उल्टा ही आवेदक को कुल्हाड़ी से काट देने की बात भी कही, जो कि देखना है कि अब इस पूरे मामले पर क्या गंभीरता से लेता है प्रशासन और क्या कार्रवाई करता है। यह रसूखदारी के चलते ऐसे ही हरे पेड़ कटते रहेंगे और कोई कार्रवाई जिम्मेदारों पर नहीं होगी। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा और क्या स्थिति है। आप खुद सोच लीजिए कि किस तरह ये दृश्य आपको बता रहे हैं कि बेखौफ होकर हरे पेड़ों को इस ग्राम जावी की शासकीय भूमि से काटा जा रहा है। कार्रवाई होना तो चाहिए ना। एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से पूरे गांव में ये सबके सामने हरा पेड़ कट रहा है और खाली एक व्यक्ति ने ही इस पर रोका और ने की कोशिश करी, प्रशासन को शिकायत की। आखिर क्या किस तरह से ये देखिए आप पर्यावरण के दुश्मन ट्रैक्टर में भी इस पेड़ों को काट कर और डालकर ले गए, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। इसकी शिकायत भी हुई है, देखना है कि उस पर लीपा पोती होती है या वाकई कोई कार्रवाई होगी। दृश्य साफ तौर पर बोल रहे हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं रह जाती है और पेड़ों को किस तरह से काट कर ले जाया जा रहा है। हमें पूरी इस खबर के माध्यम से प्रार्थी ने नंद किशोर ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ बताए, आज जो आपके जावी में जो घटना हुई है इस विषय में आवेदन देना है, क्या है पूरा मामला? सर ये शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि पे जो बम्बुल के पेड़ कटे हुए हैं पाटीदारों के एक सरपंच द्वारा काटे गए हैं, जिसमें मैंने मंत्री के भी फोन लगाया और पटवारी साहब के भी फोन लगाया, बाकी वो दोनों हाजिर नहीं हुई वहाँ। मतलब अवैध रूप से काटे गए? हाँ अवैध रूप से है और इसका प्रकरण कई बार चला हुआ है। पेड़ के हरे थे? हरे पेड़। अच्छा, तो इसका विवादित ये जमीन भी है ये? हाँ ये निस्तार मत की है। अच्छा, और शासकीय भूमि है, गोठान है, तो इस पे बलपूर्वक है जो पाटीदारों द्वारा वो भोजन का बनाया हुआ है, तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं वहाँ। तो कहाँ आपने आवेदन दिए, इसके कहाँ दिए और क्या करो? श्रीमान तहसीलदार साहब के यहाँ दिया, SDM साहब के यहाँ दिया और कलेक्टर साहब के यहाँ। इसका विवाद पहले चला हुआ है और आज भी चल रहा है, जिसके गिराने का आदेश श्रीमान द्वारा हुआ है पर आज उन तक ये गिरी नहीं। आपने रोका तो कुछ बोले? नहीं, मैंने रोका उनको कि भैया हरे पेड़ क्यों काट रहे हो, तो कहा अभी आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। क्या नाम आपका? नाम किशोर पाटीदार जावी।